You are watching BitBNS News. हेलो और नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। इससे सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें, खुद को अपडेट रखें। सिंगल वैलिडेटर के रूप में लाखों टेरा क्लासिक बर्न हो गए। बिटकॉइन ब्लैकमेल। चाइनीज इलेक्ट्रिक कार मेकर NIO से हैकर्स ने BTC में $2 मिलियन की मांग की। इंडियन सेंट्रल बैंक के चीफ ने कहा कि क्रिप्टो एक क्राइसिस पैदा कर सकता है। मनीग्राम ने ब्राजील में रिपल पार्टनर के साथ ऑनलाइन रेमिटेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सिल्वरगेट अकाउंट FTX के डाउनफॉल में सेंटर में था सीनेटर्स का कहना है। अलास्का ने अपने रेगुलेटरी रिजीम में वर्चुअल करेंसी जोड़ी। 1xBit पर सबसे बड़ी अमेरिकन लीग के साथ क्रिप्टो जीती। बैरी सिल्बर्ट अपनी होल्डिंग्स का बड़ा मेजर्स पर बेच सकते हैं। यूनिस्वैप यूजर्स को कार्ड और बैंक ट्रांसफर का उपयोग करने क्रिप्टो करेंसी खरीदने की अनुमति देता है। RBI गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी को अलग फाइनेंशियल क्राइसिस की चेतावनी दी। BlockFi कंफर्म करता है कि BlockFi वॉलेट यूजर्स को फंड तक पहुँचाने की अनुमति दी गई है। सैम बैंकमैन फ्राइड ने एक्सट्रेडिशन के डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए हैं। क्लासिक क्रिप्टो एक लीडिंग टेरा क्लासिक कम्युनिटी के मेंबर और एक्सपीरियंस यूट्यूबर ने हाल ही में LUNC बर्न कैंपेन में योगदान करने के लिए अपनी कमिटमेंट का प्रदर्शन किया, क्योंकि उनके LUNC वैलिडेटर क्लासिक के क्रिप्टो स्फीयर को चलाने से प्राप्त 100% कमीशन को एक ही बार में नष्ट कर दिया था बर्न ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा टोकन के साथ। बिटकॉइन उन टॉप क्रिप्टो करेंसीज में से एक बन रहा है। उसकी मांग साइबर क्रिमिनल्स द्वारा कंपनी से चोरी की गई इन्फॉर्मेशन के बदले में की जाती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज पहले ही कहा था कि क्रिप्टो पर बैन लगाया जाना चाहिए और अगर इसे बढ़ने दिया जाता है तो ये अगले फाइनेंशियल क्राइसिस का कारण बन सकता है। मनीग्राम ने ब्राजील में एक ऑनलाइन रेमिटेंस प्लेटफॉर्म पेश किया है। रिपल लिंक्स के अनुमान लगाया जा सकता है कि पेमेंट जाइंट रिपल ODL का उपयोग कर रहे होंगे। न्यूज़पेपर ने 3 US सेनेटर्स का हवाला दिया जिन्होंने कहा कि सिल्वर गेट में अकाउंट FTX के डाउनफॉल के सेंटर में प्रतीत होता है। उन सेनेटर्स ने यह भी कहा कि सिल्वर गेट FTX और अल्मीरा रिसर्च के बीच ट्रांजेक्शन की रिव्यू कर रहा है। 1 January 2023 में वर्चुअल करेंसी टर्म अलास्का के मनी ट्रांसमिशन रूल्स में अपना स्थान ले लेगा। यह स्टेट में मनी ट्रांसमिशन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए डिजिटल करेंसी से निपटने वाली कंपनीज को धन्यवाद करेगा। 1xBit सबसे बड़ी अमेरिकन लीग NHL, NFL और NBA के लिए डिजाइन किया गया एक टूर्नामेंट लॉन्च कर रहा है। ये टूर्नामेंट आपकी बेटिंग की जर्नी को अलग लेवल तक ले जाने और अधिक के लिए कस्टमाइज करने के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करेगा। क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्रीज के गॉडफादर बैरी सिल्बर्ट उनकी कंपनी के रूप में बैड कंडीशन में हो सकते हैं। डिजिटल करेंसी ग्रुप अपनी मोस्ट प्रॉपर्टी बेच रहा है क्योंकि कंपनी द्वारा आयोजित करेंसीज रिसेंटली मुश्किल से गिर गई है।